ये आपको पता है कई बार हुआ है, 19 में कौन था आप बोलिए, सब वही ना थे, क्या हुआ, सब पार्टी ने किया, आप 20 में भी क्या हुआ बोलिए ना, एक एक चीज तो पहले से हुआ, आज वो कह रहे हैं कि कोई कानून क्या दिक्कत है, तो ये सब बात है, कोर्ट ने क्या कहा है, क्या हुआ है, इन सब चीजों के बारे में बड़े वकील सब लोग देख लेंगे और उसके बाद ही हम कुछ कहेंगे। सर आम सहमति बनाएंगे क्या, विपक्षी दलों की बैठक, सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे क्या, इस महीने जातीय जनगणना के मामले पर सर्वदलीय सहमति से हुआ है ना सर, तो जान ही रहे ना, सुशील मोदी फिर मांग कर सारे लोग कह नहीं करें, क्यों नहीं करें, ये तो सबकी सहमति से ना हुआ है, और जो भी चीज तय किया गया है वो कोई सरकार की तरफ से नहीं है, बल्कि सभी पार्टियों की इच्छा से जो तय किया गया और उसी के हिसाब से चल रहा है। सुशील मोदी क्यों मांग कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या मांग कर रहे हैं, अब तो छोड़ ना दीजिए सर, एक सवाल है सर, सर 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 कितना महत्वपूर्ण है कर्नाटक चुनाव, महत्वपूर्ण है, उनकी जीत कितनी जबरदस्त हुई है, और जो बने हैं मुख्यमंत्री उनका तो हमको पहले से ना संपर्क था, उन्होंने भी कहा, और फिर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फोन करके कहा आइए, तो हमने कल कहा कि नहीं हम आज दिन चार, आपने जिस अभियान का सिग्नेश किया है उसका शुभारंभ मानते हैं, बेहतर हुआ सबसे पहले शुभारंभ वो आएगा ना, इसके बाद तो हम तो इसी में लगे हुए, और जब वो सब हो जाएगा तब ना आप लोगों को, आप लगातार बोलते रहे कि विपक्ष अगर एकजुट होगा तो अगली बैठक होगा, लेकिन कर्नाटक ने तो ये दिखा दिया सर, अगली बैठक कब है सर, एक बार जब वहाँ पर हो गया तो उसी के बाद इसी का नाम है, बाकी सब विरोधी दल के लोग एकजुट हो जाएंगे तो देश के हित में होगा, उसके लिए तो प्रयास चल ही रहा, तो कल तो जाएंगे उसका दौर भी, जो सर अगली बैठक कब कर रहे हैं, भारतीय जनगणना को लेकर सुप्रीम विपक्ष मांग कर रहा है, ये तो अब कोर्ट के फैसले के बाद तो हम कोई कमेंट नहीं कर रहे सर, कानून बनेगा वो उचित नहीं होगा, ये उचित नहीं होगा, इसको पूरी बात जब आ रही है तो उसके बाद जो उसके लिए जो हैं देखेंगे क्या करना नहीं करना, कानून बन सकता है क्या सर, कानून बन सकता है बिहार में, कुछ भी कहना अभी उचित नहीं होगा, जब जरूरत पड़ेगा तो सारी बातें, पहले तो हम बता ही दिए थे कि क्यों किया जा रहा है, और आप बोलिए ना राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुआ है 11 में, आप बोलिए जातीय आधारित जनगणना, हम लोग तो जनगणना का हमारा अधिकार नहीं है केंद्र का, हम लोग तो डिमांड कर रहे थे वो भी कर दीजिए, वो नहीं हुआ, और उसका वहां से कहा कि ठीक है आप हम लोग नहीं कराएंगे आप करिए, तो हम लोग तो सभी पार्टियों की राय से न करा रहे थे, कोई ऐसी बात तो नहीं है, आप जरा सोच लीजिए, कोई ये चीज तो नहीं है, तो जिसके चलते हम लोगों ने किया है ये, साहब अगर इसके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी कौन मेरे माथा पर, तो फिर किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, कोई जो गरीबी का या इसका देखे चाहे कोई भी जात का, अपर कास्ट का हो या महादलित दलित कोई भी हो, बैकवर्ड हो कोई भी, हिंदू मुस्लिम कोई हो, सबकी स्थिति को देख करके सरकार का तो हम लोगों का उद्देश्य यही था कि सबकी स्थिति को बेहतर करेंगे, मांग करी कानून बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक की मांग की जा रही है, बताइए बीजेपी साथ में नहीं था, आज अभी किए थे तो उस समय वो काहे नहीं कहा कि अभी